यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जो सीबीएसईटी की एग्जाम की डेट, जो मार्च में एग्जाम हो चुके हैं उसके बाद जो मई में एग्जाम है वो उसकी डेट जो है वहाँ पर अभी यहाँ पर आ चुकी है। वेबसाइट पर अभी आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिखा रही, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर समाचार पत्रों में आ चुका है। और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एक बात करने वाले हैं कि क्या आने वाले ग्रुप फोर एग्जाम में वो व्यक्ति जो कि अभी मई के एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या वो एप्लीकेबल रहेंगे, क्या वो फॉर्म में एलिजिबल रह पाएंगे, फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यही संबंध में हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। यदि हम इसकी बात करें आपके लिए तो यहाँ हम बता दें आपको कि यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरकारी रोजगार हेतु आवश्यक सीबीएसईटी स्कोर कार्ड उसका ही यहाँ पर देखिए, पर एक पंजीयन की जो तारीख है वो 11 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक रहेगी। 11 से 26 अप्रैल के बीच में आपको यहाँ पर डेट रहेगी पंजीयन की तिथि की। और परीक्षा की तिथि की बात करें तो परीक्षा की तिथि 15 मई 2022 तक, 15 मई 2022 को रहने वाली है, रविवार के दिन रहने वाली है। आपको आवेदन संशोधन करने की तारीख रहेगी 28 अप्रैल से 29 अप्रैल, ठीक है। तो अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी जानते होंगे एग्जाम कहाँ कहाँ होते हैं, कितनी फीस लगती है, 750 रुपये, ठीक है, 760 रुपये फीस लगती है, 700 के आसपास लगता है टोटल। इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या ये जो 15 मई में जो एग्जाम होगा और क्या ग्रुप फोर के एग्जाम में वो लोग बैठ पाएंगे क्या, क्योंकि ग्रुप फोर का एग्जाम का जो डेट है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो 30 अप्रैल को आने वाला है। 30 अप्रैल और आपको यहाँ पर इसका दिख जाएगा नोटिफिकेशन 30 अप्रैल या आने वाले 31 को 1 मई को, ठीक है, 30 अप्रैल या 1 मई को आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिख जाएगा लेट हुआ तो। और इसकी एग्जाम की जो डेट होने के बाद जो इसका रिजल्ट रहता है लगभग आप 12-15 दिन मान लीजिए मैक्सिमम, तो आपको 30 मई तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्या इसके फॉर्म की डेट इतनी देर तक चलती रहेगी क्या? यदि ये चलती रहती है और यदि सीबीएसईटी का रिजल्ट जो है वो आ जाता है, ठीक है, इसके फॉर्म की डेट खुलेगी आपकी उसकी जो फॉर्म की डेट रहेगी वो 30 तारीख से खुलेगी, 30 अप्रैल से, काई की इसी आपका ग्रुप फोर वाले एग्जाम के, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उसको आप जैसे ही खोलेंगे 30 अप्रैल की जो डेट खुलने वाली है, खुलने के बाद जो है एक महीने के आसपास अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, 30 मई तक अगर आपको मिल जाता है फॉर्म भरने के लिए, जैसे कि ग्रुप वन एग्जाम में डेट टू डेट बढ़ती रही, ग्रुप वन एग्जाम की जो अभी जानते होंगे अभी जो फॉर्म चल रहे थे उन्होंने बार बार डेट बढ़ाते रहे वो, ठीक है, और हालांकि छोटा सा एग्जाम था लेकिन ये एग्जाम बड़ा रहने वाला है, ठीक है, एमपी का ग्रुप फोर का एग्जाम। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि उसकी भी डेट वहां पर वो बढ़ाते रहेंगे और जैसे ही उसका एग्जाम इसका रिजल्ट आता है आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि ये नियम रहता है कि आपको फॉर्म जो है आपका फॉर्म आने की डेट तक आपके सभी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पीजीडीसी, आपका ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ बेस पे आ रही है तो ट्वेल्थ बेस पे, साथ ही साथ आपका जो सीबीएसईटी का स्कोर कार्ड है वो भी आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले पहले तक आपका रिजल्ट जो है जारी होना चाहिए। तो 15 मई को इसका ये जो एग्जाम हो जाएगा तो इसका जो रिजल्ट है वो 25 से 30 मई के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम तब आप, और यदि उसके फॉर्म जो खुलते हैं 30 अप्रैल को और यदि वो 30 मई तक जाते हैं या मैक्सिमम 1-2 तारीख और जून में चले जाते हैं तो आप इस फॉर्म को यहां पर फिल कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप अभी जितने भी लोग हैं जो नहीं करे हुए हैं वो सभी आपके पास चांसेस हैं, अभी तैयारी में लग जाइए, इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए आप, ठीक है, कहीं ना कहीं आगे भी काम आ जाएगा, लेकिन इसमें तो काम आ ही सकता है जैसे ही आपकी डेट बढ़ेगी उसकी एग्जाम फॉर्म भरने की, ठीक है। और आप मुद्दा अगर पीवी को ट्वीट करके बताएंगे तो पीवी भी समझ लेगा, ठीक है, ये ऐसे मुद्दे मान लिया जाते हैं कि एग्जाम फॉर्म डेट बढ़ाओ, आराम से आपका फिर रिजल्ट भी आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसका जून में रिजल्ट, इसका पेपर जो रहेगा जून में रहेगा ना, ग्रुप फोर की एग्जाम की बात करें जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो और एआरआई के, जो एआरआई के लिए तो मांगते नहीं सीबीएसईटी, लेकिन असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के समस्त प्रकार की जो पोस्ट है इसमें यहाँ पर ये जो सीबीएसईटी का रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आप समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। सो ये वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, थैंक यू।